और हमको आज के समाचार को इतनी भीड़ में हमको लगा रहा है कि लोग इतना जगह है और किसानों के लिए तो सोच हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, अमित शाह जी का है, उस सरकार की है। तो जिस स्थिति में आज हम देखते हैं कि आपको दर्शन करने के लिए आने की अपार भीड़ को देखकर लोग क्या होता है, कैसे विचार रखता है, कितना विचार परिवर्तन किया है अपने को, जो करता है चलो वोट देना है, ये नहीं सोचता है कि वोट देने का क्या होता है, वोट किसके लिए देते हैं, क्यों देते हैं। आज के दिन में जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीब से लेके नौजवान से लेके महिला से लेके जो कार्य किया है, चिंता रहे कि ये हमारे क्या विकास देना है, पानी बिजली स्वास्थ्य के लिए जो 5-5 लाख रुपये दिया जाता है, वो भी कभी नहीं सोच सका था कि एक अगुवाई में हम चलेंगे। अब समझ में नहीं आता है कि तेजस्वी जी को ये सत्ता सौंपेंगे। आरजेडी का विधायक कहता है कि फगुआ के बाद शादी मिलेगी। अब मैं समझ नहीं, बिहार की जनता किसी उपाभोग में है कि चचा भतीजा छक्का पंजा का खेल खेल रहे हैं। बिहार उसमें पीस रहा है और बिहार पीस रहा है। ठीक ही हमारे राकेश जी ने कहा, लोग गरीबों शोषितों को जिंदा, एक बार बोलिए नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। लोग कह रहे हैं महागठबंधन में ये जात बीजेपी को हवा उड़ जाएगा। मैं कहता हूं 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार का 3 फीट 2.5 फीट 4 फीट पानी था, 6 फीट उन्होंने लगा दिया जो घटा करके, हमारा सब डेटा पार है। और जब मास्टर साहब आगे आगे चले उस पर सरदार पटेल होते, आज भारत में उसी तरह की स्थिति है। आज देश के प्रधानमंत्री अमित शाह है, देश के गृह मंत्री लौह पुरुष, कांग्रेस के गलतियों को सीधा करने का काम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी। आप से बोलिए मदद से, लेकिन किसने हटाया अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी, किसी राम मंदिर कौन बनाया लगा एक स्वामी सदानंद सरस्वती की जयंती मनाते हैं।
सबसे बड़े तीन मुख्यमंत्री को अवसर मिला, श्री बाबू को, श्रीमान लालू प्रसाद यादव को और नीतीश कुमार जी को, और तीनों के कार्य का विश्लेषण बिहार की जनता करेगी कि आज अपराध, आतंक, भ्रष्टाचार चरम पर किसने पहुंचाया, अविश्वास समाज में किसने लाया, नफरत का भाव किसने पैदा किया और आज ये तमाम विषय का समाधान क्या है। नौकरी देने के नाम पर, नियुक्ति के नाम पर घोटाले की वातावरण बना रहे हैं और एक भय के बाद मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए दोनों हाथ। यहाँ पूर्ण बहुमत के सरकार के संकल्प का मूर्ति दीजिए, धन्यवाद से बोलिए भारत। सभागार में, बापू सभागार में उपस्थित बिहार के कोने कोने से आए हुए स्वामी सहजानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो आए हुए सभी किसान मजदूर भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, आज पाटलिपुत्र की ये महान भूमि पर जहां चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने भारत का पहला साम्राज्य बनाने का सफल प्रयास करके परिणित किया, वही जगह जहां से सम्राट चंद्रगुप्त और सम्राट समुद्रगुप्त ने सहजानंद सरस्वती जी की जयंती के उपलक्ष्य में उनको साथ साथ हर मजदूरों का नेतृत्व किया और जाति धर्म पंथ संप्रदाय से ऊपर उठकर सारे देश के किसानों को एकत्रित करने का काम स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार को अपनी कर्मभूमि बनाकर अंग्रेजों के खिलाफ, चाहे स्वजाति के जमींदार के खिलाफ भी उन्होंने बड़ा आंदोलन करकर एक जागरूकता लाया। सहजानंद सरस्वती जी ने और स्वामी जी ने उस वक्त कहा था, जो अन्न वस्त्र उपजाएगा अब वो कानून बनाएगा, जब भारत वर्ष जीता है अब वही शासन चलाएगा। खेत में इसको बाहर निकालने के लिए हम सब ने इकट्ठा होकर संघर्ष किया है। आज बिहार के अंदर जिनका पूरा जीवन तय करना पड़े, देश भर के अंदर गेहूं की खरीदी एमएसपी से होती है, धान की खरीदी एमएसपी के होती है, बिहार के अंदर क्यों नहीं होती? क्योंकि सरकार उदासीन, सरकार को किसानों की चिंता नहीं। मैं आगे बता जाऊं कि मोदी जी के समय में एमएसपी से धान और गेहूं खरीदने के लिए बजट को 3 गुना कर दिया गया, मगर यहां पर बजट जस का तस। आज बिहार नीतीश बाबू के सत्ता मोह में जंगल राज बन चुका। पहले नीतीश बाबू के साथ मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे और अब बिहार की जनता का इस किसान समागम के माध्यम से आह्वान करने आया हूं, नीतीश जी के खिलाफ जंगल राज को निकालने के लिए हमें लड़ाई करनी है और लालू नीतीश की सरकार को उखाड़ कर माताओं भाई परिवार के लिए 5 लाख स्वास्थ्य के लिए दिया जाता है। हम लोग चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री के पास मंजूरी।
नेताओं को उद्बोधन भी करना है, इसीलिए उनसे क्षमा मांग अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।